नेक्स्ट, अब हम देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके दो डेफिनेशन समझ गए, इम्पोर्टेंस समझ गए, ये बहुत सारे डिस्कशन हम लोग कर चुके। अब मैं आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में नोट करके लिखवाता हूँ एक एक पॉइंट, साथ साथ इसको समझाता हूँ, और सबसे लास्ट में हम लोग लोकेट करना सीखेंगे पार्टिकल का। तो आप एक एक पॉइंट करके इसके बारे में जानो यार, अब ये बन गया ना, सेंटर ऑफ मास बन गया, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ी और डेप्थ में जानते हैं, तो वो चीज ठीक है। चलो तो पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके लिखो, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास देन बॉडी परफॉर्म ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, देखो कितनी सुंदर और अच्छी बात बोला, ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेशन। देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो एक रॉड है, रॉड ही नहीं कोई कुछ और भी ले लो, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ले लो, ये ले लिया, कोई भी बॉडी ले लो, इस ये जो बॉडी है टी शेप की बॉडी है, इसके मासेस बिखरे पड़े हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, अच्छा वाला, सबसे सुंदर पॉइंट है अच्छा वाला, और ये सेंटर ऑफ मास है। यहीं पर आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, बाद में सीखेंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगा देता हूँ, समझना कितनी अच्छी बात है, अगर मैं इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगा देता हूँ, एफ नाम का एक फोर्स लगा दिया, एफ नाम का मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये जो बॉडी है वो सिर्फ ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, ये बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। अब देखो कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर ये जब आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दिए, पूरी की पूरी बॉडी रही ही नहीं यार, द फोर्स इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट, ऐसा ऐसा फोर्स लग रहा है जैसे उसके पॉइंट पर बिहेव करा, तो ये पॉइंट बन गया ना, तो ये पॉइंट तो अब क्या रोटेट करेगा, तो ये तो ट्रांसलेट ही करेगा, तो जब ये ट्रांसलेट करेगा तो ये पूरी बॉडी ट्रांसलेट ही करेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर इधर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा देते हो और वो फोर्स गलती से आप सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए या जानबूझ के लगा दिए, तो उस बॉडी को ट्रांसलेट ही करना पड़ेगा, ये बॉडी ऐसे आगे जाएगी, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते हुए कभी नहीं जा सकती, ठीक, समझ रहे हो ना। अगर मान लो इस बॉडी पे आप कहीं भी लगा दो, किसी भी एंगल पे लगा दो, जिधर लगा दोगे उधर उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है और मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया इस बॉडी पे, और इसका लाइन ऑफ एक्शन डॉट 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 ऐसे आगे करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो टी शेप की बॉडी है वो इस लाइन में ट्रांसलेट करेगी, इस लाइन में ऐसे आगे जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है जहाँ आप लगा दिए हो, ये एक स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइड में लगा देते हो, अगर आप साइड में लगा देते हो तब क्या होगा, चलो अगर एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है और सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट पे होता है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो अब मैं एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाता हूं, मैं साइड में लगाता हूं, तो आप देख सकते इसका क्या होगा, क्या होगा भाई, अगर एक रॉड है यहां पे, एल लेंथ का रॉड है, अगर मैं ये फोर्स यहां लगा दिया मेरे भाई, तो ये आगे तो जाएगा ही जाएगा और साथ साथ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, घूम के आगे जा सकता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होगा, इसमें ओनली ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास देन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होता है, ठीक है ना, देखो कितनी कितना बढ़िया बात है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट इसके बारे में नोट करके लिख लो, ये देखो कितने प्यारे डॉगी है। चलो तो ये कहता है कि द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनडिपेंड ऑफ द ओरिजिन टेकन बट द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसमें बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, मिथ होता है कि भाई सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, चाहे कहीं भी ओरिजिन ले लो। देखो ये तो बात सच है कि अगर दो पार्टिकल हैं, जैसे ये दोनों डॉगी हैं, ठीक है, तो ये दोनों देखो कितने अच्छे हैं, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा, ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जब तक ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है, ये इधर घूमने नहीं जाएगा, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है तब तक चेंज नहीं होगा, मतलब ये दोनों यहाँ पर ऐसे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप ओरिजिन कहीं भी ले लो,
ओरिजिन कहीं भी ले लो भाई, ओरिजिन ऊपर ले लिया, यहां पर ले लिया, तो यहां से जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ ये आर सी एम यहां पर लोकेटेड है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वही रहेगा चाहे आप ओरिजिन कहीं भी ले लो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप ओरिजिन अलग अलग लोकेशन पर अगर चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से लोकेशन बदल जाएगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से लोकेशन बदल जाएगा। यही मैं इसमें कॉन्सेप्ट में समझाने समझा रहा था, बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन के चूज करने से सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, बट सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ओरिजिन से बदल जाएगा। नेक्स्ट ये पॉइंट, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन द शेप, शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ठीक है, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है यार, किसका गेम है, मासेस कैसे बिखरा हुआ है स्पेस में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, बस उसी का फंडा है और उसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर उसका कॉन्सेप्ट है, जैसे देख लो एक यहाँ हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास, हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इधर आएगा, यहाँ पर कहीं आता है, जो कोन है उसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा, ये तो ये देखो, ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो, ठीक है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है स्पेस में उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहां पर मैं एक रिजिड बॉडी बना दूं, अच्छी वाली रिजिड बॉडी बना दूं, ये वाला मेरा फेवरेट रिजिड बॉडी है, तो ये यहां पे रिजिड बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आया। अब इतना ही मास का ये 100 kg का था, 100 kg का था, अगर 100 kg के मास का मैंने ये इस टाइप का बॉडी बनाया तो सेंटर ऑफ मास यहां आया। अगर 100 kg बॉडी का मैं एक डिस्क बना दूं, ठीक है, डिस्क बना दूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी की मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है यार, ठीक है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने से उतना ही मास, सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, लोकेशन बदल जाएगी यार। इसका मैं रॉड बना दूं, तो इसका मैं रॉड बना दूं, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसके मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है, चलो ये बात समझे। फॉर ए गिवेन मास सेंटर ऑफ मास लाई क्लोजर टू मैसी पार्ट, इसका क्या मतलब है भाई, अगर आप एक मास देते हो या पॉइंट्स मास देते हो तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जो हैवी वाला मास है उसी के पास रहता है, उसी के करीब आता है मैटिकली, बट अभी हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है कि अब देखो अगर जैसे मान लो एक अभी जो हम लोग कोन बनाए थे ये कोन, तो ये जो अगर मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है और इस कोन की हाइट जो है वो एच है, ठीक है, अब मैं एच के दो पार्ट करता हूँ, मिडिल से दो पार्ट करता हूँ, ऊपर हो गया एच बाई टू और नीचे हो गया एच बाई टू, तो कॉमन सेंस की बात है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास उधर रहेगा जिधर मासेस ज्यादा होंगे, अगर इधर 20 kg है और उधर 5 kg है तो सेंटर ऑफ मास इस लोअर पार्ट में इधर कहीं आएगा, ऊपर नहीं आ सकता, इधर हाइवियर मास है यार, ठीक है, आ रहा समझ में। जैसे अब अगर अगर एक पॉइंट मास है M1 और दूसरा पॉइंट मास है M2, अब M2 बहुत ज्यादा है, मान लो बहुत ज्यादा क्या ज्यादा है, M2 इज ग्रेटर देन M1 और इनके बीच का ये वाली लाइन है वो मिड पॉइंट से होके गुजर रही है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसकी पास आएगा, M2 के पास में आएगा, इधर कहीं आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास लाई क्लोजर टू द हैवियर मास, जो हैवी वाला मास है जिधर मासेस ज्यादा होंगे सेंटर ऑफ मास उधर ही आएगा, ठीक है, पूरी इंडिया का सेंटर ऑफ मास पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी इंडिया की एक अरब लगभग हम लोग 30-35 करोड़ है पी की साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि उधर ज्यादा पॉपुलेशन है यार। अब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो मोस्ट पॉपुलेटेड सेंटर कौन सा होगा, एशिया चाइना इंडिया और ये जो एशियन कंट्री मिला दो, इधर ही कहीं मोस्ट पॉपुलेटेड का सेंटर हम, तो वही जहाँ पार्टिकल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे उधर ही सेंटर ऑफ मास उसी के हिस्से में आता है, ठीक है,
कैसे आता है बाद में देखेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब इंटरेस्टिंग बात है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कि बॉडी के अंदर ही होगा। जैसे मान लो एक यल शेप का, यल शेप की बॉडी है और एक अपना ए फेमस रिंग है, ए फेमस रिंग है, ठीक है। चलो तो ये रिंग है, ये यल शेप की बॉडी है और ये जो बॉडी है वो एक डिस्क है, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। अभी कैसे सिमेट्रिकली लोकेट करते हैं वो हम सबसे लास्ट में जब पॉइंट क्लियर कर लेंगे तब समझेंगे। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके इस इधर कहीं, अगर थिकनेस, ठीक है, इधर कहीं सेंटर पे आएगा, और सॉलिड है तो इसके अंदर इधर कहीं आएगा, ठीक है। अब ये एल शेप का, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा जो कि बाहर है। रिंग है तो, रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आएगा जो कि बॉडी के बाहर है। तो ये पॉइंट यही समझा रहा है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर और बाहर कहीं भी लाई कर सकता है, पर जहां भी लाई करेगा वहां पे टोटल मास अज्यूम कर लिया जाएगा और वो हैवियर के पास होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन सिमेट्रिकली बॉडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजीनियस। समझना, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये क्या होता है, सिमिलर शेप की बॉडी है, होमोजीनियस है। तो जितने भी सर्कल वाले हैं, ठीक है, होलो स्पीयर, रिंग, ठीक है, ये डिस्क, ये बोर्ड पर कैसे पता चलेगा, चारों सर्कल ही है यार, बोर्ड पे कैसे पता चलेगा कौन रिंग है, कौन डिस्क है, कौन होलो है, तो वो जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही बनाया हूं ना, तो मैं किसको क्या सोच के बनाया हूं वो आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे सर्कल है, इसमें से एक रिंग है, एक डिस्क है और एक होलो है, ठीक है। डिस्क बनाया था वो मुझे याद है, मैंने इसको डिस्क बनाया था, ठीक है, बाद में बोला था इसको, ठीक है, बट डिस्क है भाई, जो बोल दूंगा वो है। अब ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, स्पीयर मतलब अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि सॉलिड लूं कि हेलो हो गए। जब भी स्पीयर बोला जाएगा तो सॉलिड स्पीयर लेना है, और ये स्पेरिकल सेल है, होलो है, ठीक है। तो जितने सर्कल वाले हैं यार, और इसको मैं रिंग बोल देता हूँ, ठीक है। चलो तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये, तो जब जितने सर्कल वाले हैं तो इनकी जो सेंटर ऑफ मास है होमोजीनियस है, ठीक है, सभी जगह मास बराबर है, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हो मैथमेटिकली। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। चलो अब जो ट्रायंगुलर है, ठीक है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर प्लेट है, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है या सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली लाइन है वो इसका यहाँ से, ठीक है, ये वाला सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड है तो ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक ना, क्लियर है। अब जो एल शेप के हैं, रॉड वगैरह हैं, तो रॉड वगैरह हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास, अगर कोई रॉड है, ठीक है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो रॉड है, अगर इसकी लेंथ एल है, डिपेंड करता है क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तब जाके सही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है, कैसे आता है मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं बातें हो रही हैं कि भाई कि चलो किसी ने बोल दिया तो मान लिया कि हाँ यार मिड पॉइंट पे आता है, इट्स शुड बी मैथमेटिकली प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया, ये मैथमेटिकली निकाला गया होगा तब बातें बोली गई होंगी, ठीक है। तो कैसे निकाला गया हम कंटिन्यूस दूसरे वाले पार्ट में इसको निकाल के देखेंगे, लेकिन अगर मास एक रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी आ सकता है, लेकिन एक रॉड है जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका मिड पॉइंट वही आएगा, ठीक है, ये पॉइंट। अब जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, एंगुलर रेक्टेंगल है, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है, डायगोनल के इंटरसेक्शन, ये सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। चलो
तो ये उसी तरह से अलग अलग फिगर की जो है कोन, हेम स्पियर, सॉलिड स्पियर, ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे बाद में। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री होता है, बट सम कंडीशंस आर अप्लाई। नेक्स्ट, ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ढंग से नोटबुक में नोट कर लो, अच्छे नोट्स बनाओ बेहतर तरीके से। ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है कब, जब बॉडी केवल रोटेशनल मोशन करती है, बॉडी केवल रोटेट करती है यार, ठीक है। जैसे मान लो जो फैन, जो घर में फैन लगा हुआ है, सेलिंग फैन, तो अगर ये सेलिंग फैन जब स्विच ऑन कर देते हो और स्विच ऑफ कर देते हो, तो सेंटर ऑफ मास क्या की पे क्या फर्क पड़ता है भैया? तुम ऑन करो ऑफ करते रहो, सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे फैन के ऑन और ऑफ करने से। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है फैन का, वो रेस्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्विच ऑन करोगे तो फैन रोटेट करने लगेगा, और सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन से चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तुम्हारे फैन ऑफ और ऑन करने से सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं हुआ, उसका लोकेशन रोटेशन से चेंज नहीं होता है। एक व्हील है, ठीक है, अगर ये व्हील, ठीक है, अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहा है, व्हील क्या है, एक रिंग है जहां मास ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अगर ये अपने एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहा है और ये कहीं नहीं जा रहा, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, इसमें ट्रांसलेशन जीरो है, तो इसका ये घूमने दो, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, डज नॉट मूव बाय द एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब रेस्ट में रहता है अंडर द ट्रांस, सेंटर ऑफ मास चेंज इट्स पोजीशन अंडर द ट्रांस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन। जब तक ट्रांसलेशन नहीं आएगा तब तक सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नहीं बदलेगी, चेंज नहीं बदलेगी। वही पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा रेस्ट में रहता है? नहीं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट भी कर सकता है, ठीक, मास रेस्ट में भी रह सकता है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास मोशन कर सकता है, विंड मिल है ये, अगर ये ओमेगा से घूमता है, ठीक है, ये ओमेगा से घूमता है अपनी एक्सिस पे, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इधर थोड़ा मास ज्यादा है, इधर थोड़ा कम है, तो इधर कहीं सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास मान लो, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसके ओमेगा से रोटेट करने से ये चेंज नहीं होने वाला, जब तक इसको मैं उठा के यहां नहीं लेके आऊंगा। क्लियर है पॉइंट?